आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक दिया हुआ है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल। ओके, तो हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन का परासरण दाब, और क्या दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन दी हुई है 3% और तापमान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, और क्या दिया है, विलयन स्थिरांक 0.082 लीटर वायुमंडल पर डिग्री पर मोल। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो तापमान कितना दिया हुआ है, टी बराबर 30 डिग्री सेल्सियस, इसको हम परिवर्तित करेंगे केल्विन में, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 30, ये बराबर आ गया 303 केल्विन। ठीक है, तापमान आ गया यहाँ से। अब हमको देखना है परासरण दाब ज्ञात करना है, तो परासरण दाब को हम क्या कहते हैं, पाई, वो हमें पाई बराबर ज्ञात करना है। आर हमें दिया हुआ है जो कि विलयन का स्थिरांक है, इसका क्या वैल्यू है, 0.082 लीटर दाब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं सूत्र कि क्या सूत्र होता है परासरण दाब ज्ञात करने का। तो इसका सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है, पाई वी बराबर डब्ल्यू आर टी बटा एम। ठीक है, यहाँ पे पाई तो हमें पता है, यह है परासरण दाब, परासरण दाब। ठीक है, फिर वी है, तो वी क्या हो गया, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। फिर डब्ल्यू है, वो है विलेय का भार। ठीक है, विलेय का भार। आर है इसे यहाँ पे, जिस वो क्या है, आर है विलयन स्थिरांक जो हमें दिया हुआ है, टी है तापमान, ये भी दिया हुआ है, और एम है अणुभार। ठीक है, अणुभार। तो चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम यहाँ देखते हैं कि विलयन का आयतन, तो यहाँ पे क्या है, यूरिया का जो मान है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो उससे हम विलयन का आयतन और विलेय का भार निकालते हैं। तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, यूरिया जो है, ठीक है, तो ये क्या बोला है, 3% है। 3% कब होता है, जब 3 ग्राम कोई विलेय होगा वो 100 ml विलयन में उपस्थित होगा। ठीक है, 100 ml विलयन में उपस्थित होगा, तो यहाँ से हमारा जो W है वो आ गया 3 ग्राम, और V कितना आ जाएगा, 100 ml। तो यहाँ पे चूंकि इकाई जो है वो क्या है, लीटर में है, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 100/1000। ठीक है, बराबर 0.1 लीटर। तो ये सब वैल्यूज हम पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, तो पाई हमें ज्ञात करना है, पाई इंटू वी का मान कितना है, 0.1, तो 0.1 बराबर डब्ल्यू का मान है 3, गुना आर का कितना मान है, 0.082 इंटू तापमान है 303 बटा एम। तो यूरिया का अनुभार कितना होता है, यूरिया का अनुपात होता है m बराबर 60। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 60। तो इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा पाई बराबर, ये जो 0.1 है वो नीचे चला जाएगा, 3 × 0.082। ठीक है, इंटू 303 पॉइंट है बटा 60 × 0.1। तो इसको हल करने पे हमारा पाई का परासरण दाब का मान आ जाएगा 12.423, और इसकी इकाई होती है बार। तो ये हमारा आंसर आ गया, पाई बराबर 12.423 बार। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।